नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो स्लिट लैम्प जो डॉक्टर यूज़ करता है आँखों की टेस्टिंग करने के लिए, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देना चाहता हूँ। इसको कैसे रिपेयरिंग करते हैं इसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, ये स्लिट लैम्प का टॉप पोर्शन जहाँ पर हमारा बल्ब रहता है, यहाँ से एक बल्ब जलने के बाद इसका रोशनी जो है नीचे जाता है एक लेंस से, लेंस में गिर के रे के जैसा निकलता है, हमारा आँखों पे जाता है। देखिए, पहले खोलिए मत इसको, पहले स्विच को ऑन कर दीजिए। ऑन करके रेगुलेटर हम चेक करते हैं। देखिए, रेगुलेटर घुमा के देखा, हमारा बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, जल नहीं रहा है, फिर क्या करें हम। नेक्स्ट स्टेप देखिए, मुझे अभी उसका टॉप में जो एक स्क्रू रहता है इसको खोलना है। धीरे धीरे इसको खोल देते हैं एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, खोल दिया अभी मैंने इसको, उसको ऊपर में जो टूपी रहता है इसको खोल दिया अभी। यहाँ पे एक बल्ब का सॉकेट रहता है जिससे बल्ब जुड़ा रहता है। पहले हम चेक करेंगे उसको, सॉकेट को खोल लेते हैं, बल्ब की सॉकेट हमारा यहाँ पर अभी चेक करना है मीटर से। देखिए कैसे कर रहा हूँ, अब ध्यान दीजिए। देखिए ये सॉकेट है हमारा बल्ब का सॉकेट, यह जुड़ा रहता है, अंदर में जाता है, जाने के बाद यहाँ पे बल्ब रहता है इसके अंदर जलता है। इसे हमारा कनेक्शन आता है, एसी का कनेक्शन, बल्ब की जो सप्लाई होता है हमारा पावर सप्लाई से रिगुलेटर होके आता है। देखिए, हाँ मैं अभी चेक कर लेता हूँ उसको। देखिए कैसे चेक करता हूँ, इसमें लगभग 6 से लेकर 12 वोल्ट तक आना चाहिए, इससे थोड़ा ज़्यादा भी होगा तो चलेगा, 10-15 वोल्ट तक आ जाएगा। ठीक है, देखता हूँ अभी। देखिए, इसमें दोनों लीड लगा के एसी ऑन करके देखा, यहाँ पे हमारा कोई वोल्टेज नहीं है। देखिए स्विच चालू है, देखिए हमारा वोल्टेज मिसिंग है इधर, तभी हमारा बल्ब चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर ही कनेक्शन नहीं आ रहा है तो कैसे जलेगा बल्ब। इसके लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए आना आ नहीं रहा है, पीछे भी एक सॉकेट रहता है। अभी मैं समझ चुका हूँ कि यह हमारा रेगुलेटर बॉक्स में कुछ खराबी होगी। मैंने चेक कर लिया, आ नहीं रहा है इसमें। देखिए रेगुलेटर सेक्शन को अभी ठीक करना है। देखिए रेगुलेटर सेक्शन हमारा, ये देखिए रेगुलेटर बॉक्स, ये स्विच रहता है इसमें, जो घुमाने से बत्ती थोड़ा डिम होता है और थोड़ा लाइट होता है, ऐसा होता है। अभी देखिए मैंने चेक कर लिया, इसमें कोई एसी नहीं आ रहा है, फिर बॉक्स में 100% बॉक्स में कुछ खराबी है। और इसमें भी देख लेते हैं, जहाँ पर 15 वोल्ट रहता चाहिए, हाँ ये भी मैंने चेक कर रहा हूँ अभी। देखिए टेस्ट कर रहा हूँ, हाँ थोड़ा रुकिए, देखिए ध्यान से, हाँ नहीं आ रहा है इसमें हमारा। देखिए अभी मैंने जो अभी ठीक कर चुका हूँ इस बॉक्स को, खोल के ठीक कर दिया, लेकिन मैं इसको दिखाया नहीं आपको, क्योंकि मेरे बात का जो वीडियो आएगा इसमें आप बॉक्स को देख सकते हैं पूरी तरह से कैसे मैंने इसको रिपेयरिंग किया। इसके बाद जो लेंस एडजस्ट करता है ऊपर का, देखिए मेरा लाइट ग्लो हो गया, और जो पावर सप्लाई होता है इसमें कैसे रिपेयर करते हैं इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अगली वीडियो कब छोड़ूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा इसका। देखिए अभी इसका भेरी हो रहा है मेरा बल्ब, देखिए रेगुलेटर घुमाने के बाद वो भेरी कर रहा है, एकदम ओके हो चुका है मेरा जो काम है
वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। मेरा सब कुछ ठीक तरह से काम कर रहा है। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा जो ऊपर वाला में लेंस जो होता है, जो इसके देर निकलता है उसका, देख लीजिए आप। मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके देखा दिया, और भी है वीडियो है यहाँ पर, थोड़ा बहुत बाकी है।